डॉक्टर परमेश्वर अरोरा, डायबिटीज एक्सपर्ट और मेडिकल लाइन में एक जाना माना नाम, फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से बहुत से न्यूज चैनल पर विशेषज्ञ राय भी देते रहते हैं। और हमने देखा कि कोरोना काल में भी लोगों के बीच जाकर सही एडवाइस देते रहे। डायबिटीज यानी मधुमेह पर खास एक्सपर्टीज होने के कारण हमने इन्हें सही व्यक्ति माना जो डायबा 30 के बारे में बिना किसी पक्षपात के सही राय दे सके और इसके सही फायदे आप तक पहुंचा सके। और डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये डायबिटीज है क्या और इसकी वजह क्या है? जब किसी भी व्यक्ति के ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो डिजायर्ड, जो एक निर्धारित ब्लड शुगर लेवल होते हैं उनसे ऊपर चले जाना, ये डायबिटीज कहलाता है। और आपने कहा कि वजह क्या होती है, तो वजह इसकी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। उसमें हमारा, जैसे हम आयुर्वेद की बात करें तो तीन तरह की वजह बतलाई गई हैं। एक कंजेनाइटल होती है, एक हेरिडिटरी होती है और एक अपथ्यज होती है। तो बेसिकली हमारा जो बॉडी है उसमें एक पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस हैं और उस आइसलेट्स में दो तरह के सेल्स होते हैं जिसमें से एक सेल है बीटा सेल्स। वो जो बीटा सेल्स है वो एक तरह से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो किसी भी कारण से इस इंसुलिन हार्मोन की शरीर में कमी हो जाए, नंबर दो, या इंसुलिन को हमारी बॉडी सेल्स रेस्पोंड ना करें तो हमारे शुगर लेवल्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो कोई भी कंडीशन, चाहे वो कंजेनाइटली यानी कि जब बच्चा के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, वो वूम में होता है, गर्भ में होता है माता के, उस समय कोई ऐसा डिफेक्ट पैंक्रियाज में हो जाए कि जिससे उसके सेल्स, बीटा सेल्स डैमेज होने लगें और इंसुलिन सही से ना बने, या आपके माता पिता डायबिटिक हैं तो आपको जीन आप कैरी कर रहे हैं, एंड नंबर तीन, हमारे गलत खानपान और गलत जीवन शैली की वजह से लगातार हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो कम होता चला जा रहा है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल जो ब्लड में है वो कम नहीं हो पाएंगे या नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, अधिक हो जाएंगे, एंड ये कंडीशन कहलाती है डायबिटीज। डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये भारत के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए एक जानलेवा अभिशाप है जो व्यक्ति की जान ही नहीं लेती बल्कि परिवार को भी आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। तो क्या ये डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं? बिल्कुल श्वेता जी, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में डायबिटीज को तीन तरह का बताया गया है, सहज, कुलज, अपथ्यज। और यहीं अगर हम आज मॉडर्न साइंस की बात करें, एलोपैथिक की बात करें, तो डायबिटीज को वो दो तरह से बांटती है। एक आपने सुना होगा टाइप 1 टाइप 2। टाइप वन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, जहां पर इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है, वहां बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है जिससे हमारे शुगर लेवल एडिक्वेट रहें, कंट्रोल रहें, तो उस तरह की डायबिटीज को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और ये टाइप 1 की होती है। अक्सर जो बच्चे होते हैं या कम उम्र के लोग होते हैं उनको इस तरह की डायबिटीज होती है। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज जो है वो NIDDM होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जहाँ पे इंसुलिन बन रहा है शरीर में लेकिन हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को एक तरह से ओबे नहीं कर रहे, इंसुलिन के प्रति उनके रेजिस्टेंस डेवलप कर गया। तो इस तरह के लोगों को केवल मेडिसिन से ही शुगर लेवल कंट्रोल हो जाते हैं। तो इस तरह से देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट, एंड अकॉर्डिंग टू वेरिएंट हम डॉक्टर्स अप्रोच करते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट ऑफर किया जाना चाहिए। डायबिटीज की अब तक की सबसे असरकारक औषधि डायबा 30 जो अब तक दिव्य श्री की रिसर्च लैब में उपलब्ध थी, अब भारत के हर कोने में डायबिटीज के पेशेंट को घर पर ही उपलब्ध हो रही है। दिव्य श्री आयुर्वेद रिसर्च लैब ने प्राचीन जड़ी बूटियों तथा औषधि की दोबारा खोज और सालों की रिसर्च के बाद डायबा 30 औषधि को तैयार किया है, और इस कारण डायबा 30 को डायबिटीज के खिलाफ आज के समय की सबसे आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी औषधि माना जा रहा है। तो अभी कॉल करें और मंगवाएं डायबिटीज पर अब तक की सबसे असरकारक औषधि डायबा 30। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए कि कैसे पता चले कि डायबिटीज हो गया, उसके ऐसे कोई कॉमन सिम्टम्स होते होंगे जो आप बताइए प्लीज। बिल्कुल, देखिए अगर आप बहुत सरलता से डायबिटीज को पहचानना चाहें तो बेसिक 4 सिम्टम हैं। अगर आपको कभी लगे कि साहब आपको यूरिनेशन की टेंडेंसी बढ़ गई, बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, नंबर दो, आपको प्यास बहुत अधिक लगने लगे, एंड नंबर तीन, आपको लगातार वीकनेस आने शुरू हो जाए, आपको लगे कि कोई कारण समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं कमज़ोर होता चला जा रहा हूँ, मेरा वेट गिरता चला जा रहा है, और साथ में जो है आप देखेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लिकेशन आने शुरू होंगे, जैसे आपको न्यूरोपैथी डेवलप कर जाएगी, यानी कि आपके हाथ पैर में सुन्नपन जिसे बोलते हैं, कि नमनेस आनी शुरू हो गई,
टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट होनी शुरू हो गई, उसके बाद डेफिनेटली हम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। यदि फास्टिंग में खाली पेट हमारा 110 से ऊपर जा रहा होता है तो हम कहते हैं कि साहब आप डायबिटिक बनते जा रहे हैं। अगर हम खाना खाने के बाद चेक करते हैं, जिसको पोस्टप्रेंडियल बोलते हैं, अगर 150 से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि हमको डायबिटीज हो गई। लेकिन प्राइमरीली छोटे छोटे सिम्टम देख के भी हमें अंदाजा लग सकता है कि हम डायबिटिक होते जा रहे हैं। आज भारत में हर दूसरे घर में डायबिटीज अपनी जगह बना चुकी है और हर 10 व्यक्ति में से एक को डायबिटीज है। बेहद डराने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को तो इसका पता भी नहीं है। डायबिटीज को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बिकॉज एक बार डायबिटीज आपके शरीर में आ गई तो ये आपके हार्ट पे भी अटैक करती है, आपको 2-3 साल के अंदर ब्लड प्रेशर का पेशेंट बना देती है। आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट जो है गैंग्रीन हो जाता है, पैर में पैर तक काटना पड़ता है, एम्पुटेशन हम लोग उसको बोलते हैं। उसके बाद आपकी किडनी खराब होती है, उसके बाद हमारी आंखें जो होती हैं उन्हें खराब करती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। उसके बाद हमारी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को खत्म कर देती है, हमारा मसल, हमारा बोन सब कुछ तो खा जाती है। जैसे लकड़ी में दीमक लगती है ना, उस तरह से डायबिटीज की आप तुलना कर सकते हैं। हर ऑर्गन जो है वो डायबिटीज की वजह से खराब हो सकता है। और मैं तो एज ए प्रैक्टिशनर ये बोलता हूँ कि 70% बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे पास लोग 50 से 60 साल की उम्र में लेके आते हैं, जिसका बेसिक कारण ही डायबिटीज होती है। डायबा 30 पूरी तरह आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित और GMP सर्टिफाइड है, तो आप बेफिक्र होकर इसे लीजिए और अपने डायबिटीज पर आसानी से काबू पाइए।